पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। माफी चाहता हूँ इन्हीं, अपने दोस्त की शरारत में मुझे भी शामिल होना पड़ा। मैं चलता हूँ। बताइए क्यों किया मजाक? इतना मजा आता है आपको मुझे सताने में? सताने के लिए नहीं, तुम्हारी खुशी में चार चांद लगा देने के लिए। इसीलिए होश में है फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसमें गलत क्या कहा? जब उम्मीद ही ना हो किसी अच्छी खबर की और वो मिल जाए तो खुशी दुगनी हो जाती है कि नहीं? जब दुख की परछाई के पीछे से अचानक खुशी सामने कूद के आ जाए दम से, तो कितना अच्छा लगता है ना। आज 4 साल के बाद एक शाम आई है अहिल्या, जब हम पूरे होशो आवास में हैं, तो हमने सोचा कि नशे में होने का दिखावा करते हैं और जब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो तुम्हें सच बता देंगे कि हमने शराब छोड़ दी है। एक बार पहले हम उससे हार गए थे, लेकिन आज हमने अपनी उस बुरी लत पर विजय पा ली है। और फिर तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में जो चमक आती, वो देखना चाहते थे हम। अपनी रानी को, अपनी पत्नी को यही सौगात, यही तोहफा देना चाहते थे। तोहफे के बदले तोहफा देने का रिवाज होता है, जानती हो ना? तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? क्या चाहिए आपको? आइए अक्का साहब, आप ही देख लीजिए, हमसे तो नहीं होगा। अक भाई, क्या बचपना है द्वारका बाई साहेब, ये सब देखने के लिए आप न्योता दे रही थी सबको, बड़े सरकार को भी बुला रही थी। कुछ तो सोचा होता, मतलब ये ऐसा सब। अक्का साहेब,
आप हम पर क्यों बरस रही हैं? खंडेराव की हरकत पर उसे झाड़ लगाइए ना। झाड़ लगाऊं? क्या हो क्या गया है आपको? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? खंडेराव विवाहित है और अहिल्या उसकी पत्नी है। ये हमें मालूम है, बस हमें ये मालूम नहीं था कि शादी करने से ये सब करने की इजाजत मिल जाती है। देवा, रक्षा करना द्वारका बाई साहेब की। कमाल है तुम जी, हमारे लिए दुआ क्यों मांग रही हैं? आपको तो खंडेराव के लिए दुआ मांगनी। अकु भाई, ये कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा द्वारका भाई साहब। अहो, इस बात को लेकर आप इतना शोर मचा रहे थे। हम उम्र तो देखिए दोनों की, इतने बरस एक दूसरे से दूर रहे हैं वो। उनका ये रिश्ता, मन में पनप रहा दोनों का प्यार, अब जाके असली प्यार समझ रहे हैं दोनों। कितने खुश है दोनों साथ में, तो रहने दीजिए ना खुश। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि मानो खंडेराव ने कोई पाप किया है। हमारा यकीन कीजिए अक्का साहब, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने देखा खंडेराव। क्या मजली आई साहब, क्या देखा आपने? खंडेराव, दिल का ताड़ बनाना आपको कितना पसंद है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात का आप इतना बड़ा तमाशा करेंगे ये नहीं सोचा था। मैं तो डर गई थी, जाने खंडेराव ने ऐसा क्या कर दिया। बंद कीजिए ऐसी हरकत द्वारका भाई साहेब। बड़ी मुश्किल से बाप बेटे में सुलह हुई है, आपकी इन बातों की वजह से कहीं फिर से इन दोनों में गलत फहमी ना हो जाए। हुआ क्या, बताइए तो सही आई साहब। नहीं नहीं कुछ नहीं, अक्का साहब हम चले, अंदर सब इंतजार कर रहे होंगे और बहुत से लोगों को अभी प्रसाद भी देना है। चलो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।